हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे बैड एडुकेशन इस मूवी के बारे में। इस मूवी में हमें नजर आते ह्यूज जैकमैन, एलिसन जेनी और इसे डायरेक्ट किया कोरी फिल्ली ने। और इस मूवी की लेंथ है 1 घंटा 48 मिनट। ये मूवी आपको कहाँ देखने को मिली वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी की। तो ये मूवी की कहानी बेस्ड है ट्रू इंसिडेंट पे, यानी कि अमेरिका में वाकई में 2002 में एक ऐसा बड़ा स्कैम होता है जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। खैर, मूवी की कहानी शुरू होती ह्यूज जैकमैन से, जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया डॉक्टर फ्रैंकलिन टेसन का, जो कि रॉसलिन पब्लिक हाई स्कूल के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थे। वो इतने लवेबल इंसान थे कि उनको सभी लोग प्यार करते थे, उनको एडमायर करते थे। और उनकी एक अच्छी बात यह थी कि वो अपने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स थे, चाहे वो पुराने हो या नए हो, सबके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करते थे। सबके पास इंडिविजुअली जाके बातें करते थे और उनको पता थी कि उनके स्टूडेंट्स की क्या वीकनेस है और क्या उनकी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा उनके साथ में काम करने वाले टीचर्स का भी वो बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। खैर, उनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता जब उन्हीं के स्कूल का न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखने वाले उन्हीं के स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते थे भाई स्कूल को जो फंड्स मिले वो फंड्स जा कर रहे। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मूवी पर्सनली मुझे कैसे लगी। तो देखिए, इस मूवी की जो कहानी है बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से लिखी गई है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट में उन्होंने बहुत कुछ बताया, और स्पेशली यहाँ पर डॉक्टर टिसन के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत ही ज्यादा चीजें यहाँ पर रिवील हुई है। और जिस तरीके से इस रोल को ह्यूज जैकमैन ने प्ले किया, मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता कि उनको ऑस्कर अवार्ड नहीं भी मिला तो उनको नॉमिनेट तो जरूर करेंगे। और ह्यूज जैकमैन के करियर की वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज में से ये एक मूवी होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले नहीं किया है, उन्होंने इस कैरेक्टर को जिया है। समझ लो, एक शीशी में उन्होंने इस कैरेक्टर को डाल के घोल के पी लिए हो। क्योंकि जब ये फिल्म शुरू होती है, कुछ ही सेकंड के बाद आप ये भूल जाते हो कि आप लोग ह्यूज जैकमैन को देख रहे हो या वाकई में डॉक्टर टिसन को देख रहे हो। चाहे उनके कपड़े पहनने का स्टाइल हो, चाहे उनके चलने का तरीका हो, चाहे उनके बातें करने का तरीका हो, सब कुछ बहुत ही शानदार है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरी एक्टर एलिसन जेनी, जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया पेमिला का, उसने भी इतना जबरदस्त काम किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन दोनों कैरेक्टर्स का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपको जानने मिलता है इस फिल्म के थ्रू, जहां पर आप इजीली इन दोनों से कनेक्ट हो जाते हो। और यही इस मूवी की हाईलाइट भी है। और ये मूवी खत्म हुई तो मैंने ह्यूज जैकमैन को स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि वाकई में वो डिजर्व करते हैं इस मूवी के लिए यार। और एक एक्टर्स के लिए सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि जब वो पर्दे पर आता है तो ऑडियंस ये भूल जाना चाहिए कि हम लोग पर्दे पर देख किसको रहे, वो लिटरली उस कैरेक्टर को देखना चाहिए जिसको वो प्ले कर रहा है। और यहाँ पर ऐसा ही होता है। ये सब चीजें इस मूवी को बहुत खास बनाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखना है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो बस यार, इस वीडियो में इतना। मैं मिलूंगा आपसे कल की नई वीडियो में। दिल से दुआ में रखना। मैं हूँ राशि शेख और आप सब हैरान एंटरटेनमेंट।